हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब चलते हैं टाइप 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर मानते हैं ए और ये है बी। तो क्या बोला कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी दे रखी है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 रखें तो ए की एफिशिएंसी इससे 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगी। अब टाइम कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इसकी रेशियो पलट जाएगी, तो 1 से 3 हो जाएगी। अब रेशियो में ये इससे 2 दिन कम टर्म लेता है और इसने देखा कि 40 दिन कम लेता है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 40 दिन है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 दिन है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 20, और बी का टाइम कितना हो जाएगा? 60। अब वर्क क्या होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम? तो वर्क कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है और टाइम 20 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। चाहो तो यहाँ से वर्क निकाल सकते हो, 60 गुना 1 60, दोनों केस में वर्क समान आएगा। फिर क्या बोला है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो वर्क हमारे पास है, दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, 15 दिन में दोनों काम पूरा कर देंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है, ये ए है और ये बी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी 1 है तो इससे दुगुना यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तद अनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 काम करेंगे और 14 दिन में काम पूरा कर दिया, तो 14 दिन में कितना काम किया होगा? 14 गुना 3। अब ये टोटल वर्क है, हमसे बोला कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो वर्क को डिवाइड कर देंगे ए की एफिशिएंसी से 2 से, तो ये ए का टाइम हो जाएगा 2 7 और 3 7 21, ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइड में टाइम। सॉरी, तो हमने इसका टाइम निकाला था ए का, कि ए कितने दिन में करेगा। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन में टाइम, टाइम निकालना हो तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हो तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसको बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं, वो इजी रहेगा। तो बेसिक एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। बेसिक से ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है, यानी कि ये ए है और ये बी। अगर बी किसी काम को एक्स दिन में करता है तो ए करेगा एक्स माइनस 10 दिन में, तो ये टाइम है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये वर्क हो जाएगा, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एक्स, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी एक्स माइनस में 10। अगर हम वर्क को, वर्क हमारे पास है एक्स मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में 10, वर्क को डिवाइड कर दे दोनों की एफिशिएंसी से तो टाइम आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी 2x माइनस में 10। अब ये टाइम है कि दोनों इतने दिन में पूरा कर देंगे, और ये टाइम हमें दे रखा था 12, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। पूछा क्या है, बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी को हमने एक्स माना है और ऑप्शन में यही वैल्यू दे रखी है, तो अगर पहला ऑप्शन उठाए 30, अगर बी 30 दिन में काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, क्योंकि 10 दिन कम लेता है। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 60। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी बी की 2। अब दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 60 को 5 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा, और इसने ये बोला था कि दोनों 12 दिन में पूरा कर देते हैं, कि जो हमने 30 माना था ये सही था, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से एक तिहाई समय में कर पाता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा, तद अनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? क्या बोला है, ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं कि बी एक्स दिन में कोई काम पूरा करता है, फिर बोला कि ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी कि बी ने कितना काम किया होगा, मान लेते हैं पूरा काम किया था, पूरा काम हम बी में मानते हैं 1, तो ए ने इसका 50% यानी कि आधा काम किया, कितने दिन में किया? जितना बी ने किया उससे एक तिहाई समय में, यानी कि बी ने तो किया था एक्स दिन में, तो ए कितने टाइम में करेगा? एक्स बटा 3 दिन में। बी ने पूरा काम एक्स दिन में किया तो ए ने उसका आधा काम,
तो आधा काम 1/2 कितने दिन में करता है, इसके 1/3 समय में, तो एक्स बटा 3 में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम होता है 1 के बराबर, तो ये करेगा 2x/3 दिन में। तो ये पूरा काम करता है 2x/3 दिन में। अब इनका एलसीएम लें तो वर्क आ जाएगा, इनका एलसीएम 2x हो जाएगा, ये वर्क है ये टाइम है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 वर्क अपॉन में टाइम, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। ये दोनों मिलकर कार्य करें तो वह 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो वर्क हमारे पास है 2x, वर्क को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो अभी ये हो जाएगा कितने दिन में काम पूरा करेंगे दोनों। तो ये हमें दे रखा 10 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और गुणा 5 यानी कि 25, तो एक्स की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या था, तद अनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो एक्स 25 आया था ना, कि बी अकेला 25 दिन में काम पूरा करेगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तद अनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हों तो अकेले ए को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर मानते हैं बी और ये ए और सी है, जितना ए और सी को टाइम लगेगा, मान लेते हैं 1 दिन लगता है, तो बी को इसे 3 गुना समय लगेगा, इनकी 3 दिन लगेंगे, ये रेशियो में चल रहे हैं। फिर बोला है यहाँ पर सी और ये ए और बी, जितना टाइम ए और बी को लगता है, मान लेते हैं 1 लगता है, तो इससे 2 गुना टाइम लगेगा सी को, तो ये टाइम की रेशियो है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसे उल्टा हो जाएगी एफिशिएंसी, तो बी डिवाइड में ए प्लस सी लिखते हैं, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, बी की यहाँ पर टाइम 3 था, तो ये एफिशिएंसी 1 और ये 3, ये हमने पलट दिया, ऐसा ही सी डिवाइड में ए प्लस में बी, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे सॉरी ऊपर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम चेक करें ए बी और सी, ए बी और सी तीनों यहाँ पर सेम है, तो एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए इनकी, तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 4 और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बराबर नहीं, बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बराबर कैसे कर सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 बना सकते हैं। तो 12 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करें, तो ये कर देते हैं हम यहाँ पर 3, क्योंकि जोड़ यहाँ पर 4 था, और यहाँ पर करेंगे 4 की, तो ये हो जाएगा 3 3 3 9 4 और ये 2 चौके 8। अब यहाँ पर एफिशिएंसी का जोड़ बराबर है 12। अब बी की एफिशिएंसी 3 है, अगर यहाँ पर 3 रखे बी की एफिशिएंसी, तो ए और बी की एफिशिएंसी 8 थी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, ए की एफिशिएंसी हमने निकाल ली कितनी है 5, और सी की एफिशिएंसी तो हमें दे रखी है यहाँ पर, और बी की एफिशिएंसी 3 थी, ए की निकाल ली। बोला क्या है, तीनों के एक साथ लिख देते हैं ए बी सी, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी ये क्या लिख दिया 3 था ये तो 3, और सी की एफिशिएंसी 4 है। फिर हमें बोला था कि तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 3 8 और 4 12, 1 दिन में 12 काम करते हैं, और 10 दिन में कितना करेंगे 120, तो टोटल वर्क कितना है 120। अब ये काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 5 थी, 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 12 2 24, तो 24 दिन में करेगा ए अकेला, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ये है ए और ये है बी। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है कि बी ए से 25% अधिक कुशल, 25% 1/4 होता है, अगर ए 1 दिन में 4 काम करता है तो बी इससे 1 ज़्यादा यानी कि 5 करेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 से 4। फिर क्या बोला, ए एक काम को 6 दिन में करता है, तो 5 किसके बराबर है 6 के। पूछा क्या बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 बराबर 6 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 6/5 गुणा में 4 यानी कि 24/5, तो 5 चौके 20, तो 4 से ही 4/5, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी है ये ए और ये बी, यहाँ पर एफिशिएंसी 20% होता है 1/5, अगर बी 1 दिन में 5 काम करता है तो ए इससे 1 कम करेगा यानी कि 4 करेगा। यदि ए एक काम को 7 से 1/2 घंटे में पूरा करता है, तो टाइम की रेशियो हो जाएगी 5 से 4, तो 5 किसके बराबर दे रखा है, 7 दूनी 14 और 1 15/2। पूछा है बी कितने दिन में करेगा, सॉरी घंटे हैं, तो कितने घंटे में करेगा, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा एक किसके बराबर हो जाएगा, 5 से कैंसिल करें तो 3/2, तो 3/2 गुणा में 4, तो ये हो जाएगा 6,
छः घंटे में करेगा बी ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर एट, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। ए उतना काम कर सकता है यानी ए बराबर जितना कर सकते हैं बी और सी मिलकर, तो ए की एफिशिएंसी इन दोनों की एफिशिएंसी के जोड़ के बराबर है। फिर बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में, और नीचे घंटा दे रखा है तो इनको सभी को हम क्या कर लेते हैं घंटे में बना लेते हैं। 9 घंटे और 36 मिनट, तो 36 बटा 60 करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से 3 5 तो 45 और 3 48 बटा 5, ये हावर में हो जाएगा अब टाइम। फिर बोला कि सी अकेला करता है 48 घंटे में, एलसीएम निकालिए तो एलसीएम आएगा 48, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब इन सभी की एफिशिएंसी को जोड़ें तो ए प्लस में बी प्लस में सी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है यानी कि बी जमा सी इसके जगह हम ए रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2A बराबर में 6, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। पूछा किसके बारे में था हमसे, 8 में बी के बारे में पूछा था, तो ए की एफिशिएंसी अगर यहाँ पर 3 रखें तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इनका जोड़ 5 था, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क 48 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 24, तो बी अकेला 24 दिन में पूरा करेगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। यहाँ पर मानते हैं प्रतिभा और ये सोनिया, ये एफिशिएंसी, अगर सोनिया की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 गुना प्रतिभा की है, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। टाइम निकालें तो टाइम हो जाएगा 1 से 3, तो ये कितना कम टाइम लेते हैं रेशियो में 2, और ये कह रहा है 60, तो 1 बराबर 30 यानी कि ये 30 दिन में पूरा करती है और ये करती है 90 दिन में पूरा। पूछा क्या था, प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, तो 30 गुना 3 करेंगे 90, यहाँ से निकालेंगे तो भी 90 आएगा, तो टोटल वर्क 90 है डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 90 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये वैसे अलग अलग पूछा भाई इकट्ठा नहीं पूछा इसने, तो टोटल वर्क 90 है, ए की एफिशिएंसी पी की एफिशिएंसी 3 थी, तो ये 30 दिन में करेगी और ये करेगी 90 बटा 1 यानी कि 90 दिन में, तो 30 और 90 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, तो ये इनकी एफिशिएंसी है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगी। फिर दोनों मिलकर एक कार्य को कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 2/5 भाग 9 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/2 दिन, तो पूरा काम 45/2 दिन में कर सकते हैं, और एक दिन में कितना काम करते हैं 3 और 1 4 काम करते हैं, तो 45/2 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 यानी कि 90 पूरा काम था। अब पूछा क्या है 10 में, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 90 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 90 दिन में करेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा एक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य एक्स माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा एक्स प्लस 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो एक्स का मान कितना होगा। एक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा किया गया काम कितने दिन में पूरा होता है, एक्स प्लस 5 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क बराबर होगा एक्स माइनस 5 व्यक्तियों ने काम किया एक्स प्लस 20 दिनों में, या बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को पुट कर लेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे फिर दूसरा ऐसे चेक कर लेंगे, वैसे आप सोल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 5x, फिर 4x, फिर 20, इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 20x माइनस में 5x माइनस में 100, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये हो जाएगा 9x प्लस में 20, और यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस में 100, 9x को साइड लेके देंगे तो 6x, ये हो जाएगा 120, x हो जाएगा 20, 11 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है, बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में करते थे, तो यहाँ पर मानते हैं मैन और ये बॉय हो जाएगा। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोल रहा है कि एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। पूछा गया बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के, तो 3 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2, तो 3 आदमी की 6,
और चार लड़के, तो एक लड़के की एफिशिएंसी एक, चार लड़के की एफिशिएंसी चार, ये कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? कौन सा काम? जो 10 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 2, 10 आदमी की एफिशिएंसी 20, तो 20 आदमी 20, ये एफिशिएंसी हो जाएगी 8 दिन में कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0, तो डी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 दिन में पूरा कर देंगे ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्देशित समय में 20 से 3 गुना काम कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ये ए है और ये बी। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है? अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी से 3 गुना हो जाएगी, तो टाइम हो जाएगा 1 से 3। और ए और बी मिलकर उस काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। 1 दिन में कितना काम करते हैं? 4, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 36, तो ये टोटल वर्क है। पूछा क्या है? ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी 3 थी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन में पूरा कर लेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे? यहाँ पर मानते हैं जयश्री और ये मनोज, एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है कि इसे 100% अधिक कुशल। अगर मनोज की एफिशिएंसी 1 माने तो इसे 100% अधिक, 1 का 100% 1 रहेगा, तो 1 अधिक यानी कि 2, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 से 2। मनोज एक काम को 42 घंटे में कर सकता है, तो 2 की वैल्यू 42 है। पूछा है दोनों मिलकर, तो यहाँ से हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क 42 है। दोनों के बारे में पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 14, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, पी की क्षमता क्या उसे 4 गुनी है? पी ये क्या इनकी एफिशिएंसी के बारे में बोला, अगर क्या की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। पी एक कार्य को करने में क्या के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी? 1 से 4, रेशियो में 3 कम लेता है और इसने बोला कि 45, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 15, तो ये 15 दिन में करता है और ये करता है 15 चौके 60 दिन में। ये दोनों मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी यानी कि 15 गुना 4 60, ये टोटल वर्क है। दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल है, ये रमन है और ये अमन, 25% अधिक, 25% 1/4, अगर ये 4 है इसकी एफिशिएंसी तो इसकी एफिशिएंसी 1 ज़्यादा यानी कि 5 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है तो टाइम दे रखा है 4 से 5 हो जाएगा, अमन 5 दिन में करता है रेशियो में और ये कह रहा है कि 25, तो 1 बराबर किसके? 5 के, तो 4 बराबर 20 के, तो रमन उसी काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, कशिश की क्षमता निर्मित से दुगनी है, तो कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? ये कशिश हो जाएगी और ये निर्मित हो जाएगी, एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, तो इससे दुगनी यानी कि निर्मित की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा? 1 से 2। पहली लाइन में बोला था कि निर्मित 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 9 3 27, तो पूरा काम 27 दिन में करती है कौन? निर्मित, और ये दे रखा था 2 के बराबर, तो 2 बराबर 27 हो जाएगा। पूछा क्या था? कशिश कितने दिन में करेगी? तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 27/2, 2 बराबर 27, तो 1 बराबर 27/2, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, ये ए है और ये बी, 1.5 कितना होता है? 3/2, अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी है, इसे 1.5 गुना हो जाएगी, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है, टाइम हो जाएगा 2 से 3, रेशियो में 1 रेशियो कम लेता है और ये कह रहा है कि 8 दिन कम लेता है। पूछा क्या? ए तथा बी एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो ए कार्य को पहले दिन करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 2 की वैल्यू हो जाएगी 16, 3 की वैल्यू 24, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 16 3 48, तो यहाँ से निकाल सकते हो, तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 48। फिर क्या बोला कि एकांतर काम करते हैं ये, इनकी पहले दिन कौन काम करता था? ए, ए ने शुरुआत की है तो पहले दिन ए आया, तो एक दिन में ये कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में। अगले दिन कौन आया? अगले दिन ये आया बी, इसने काम कर दिया 2, यानी कि 2 दिन में काम हो गया 5, काम करना है 48,
तो 48 तो 5 से डिवाइड होता नहीं, इससे कम कितना हो जाएगा 45। अभी इसका कितना मल्टीपल है? नो मल्टीपल। दो का भी नो मल्टीपल कितना हो जाएगा? 18। तो 18 दिन में 45 कम हो जाएगा। अब बारी किसकी आएगी? ए की, क्योंकि ए ने शुरुआत की थी। तो अगले दिन ये आएगा, तीन काम कर देगा और तीन काम ही हमारा बचा हुआ था, यानी कि 19 दिन में काम पूरा हो जाएगा 48 काम। तो ये हो जाएगा 18 में ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ए किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ये ए और ये बी, बी की क्षमता कितनी है? 50% अधिक। 50% होता 1/2, इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एक ज़्यादा यानी कि 3 हो जाएगी। टाइम हो जाएगा 3 से 2। और ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, दो की वैल्यू 32। तो बी कितने दिन में करेगा? 32 दिन में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड 12 दिन में कर सकते हैं, जेड और एक्स 18 दिन में कर सकते हैं। एक्स प्लस में वाई ये कर सकते हैं 9 दिन में पूरा, वाई और जेड कर सकते हैं 12 दिन में पूरा, और एक्स और जेड ये कर सकते हैं 18 दिन में पूरा। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72। इसकी एफिशिएंसी 9 8 72, 12 6 72, 18 6 72। इन सभी को जोड़ेंगे तो एक्स भी दो बार है, जेड भी दो बार और वाई भी दो बार, दो को मान ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी एफिशिएंसी है 18। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। पूछा क्या है? एक्स वाई तथा जेड में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? तो सबसे पहले हमें इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, वहाँ से फिर बता देंगे कि कौन ज़्यादा कार्यकुशल है। तो तीनों की एफिशिएंसी 9 है और एक्स और वाई की एफिशिएंसी 8 है, तो जेड की एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 माइनस करेंगे तो 1। उसके बाद वाई और जेड की एफिशिएंसी 6 है और तीनों की 9 है, तो यहाँ से कौन रह गया? एक्स। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब एक्स और जेड की एफिशिएंसी 4 है, 4 इसमें से माइनस करेंगे तो बचा वाई, वाई की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है? वाई की। तो वाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए बी 20% यानी कि 1/5। अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 ज़्यादा यानी कि 6 हो जाएगी और टाइम हो जाएगा 5 से 6। फिर बोला यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो 6 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, पी क्यू 20% यानी कि 1/5। अगर क्यू की एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 1 ज़्यादा यानी कि 6 हो जाएगी और टाइम हो जाएगा 5 से 6। क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 10। पूछा क्या है? पी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 6 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/6 गुणा में 5 यानी कि 50/6। 6 8 48 बचेगा 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा, कैंसिल होके तो 8 से 1/3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23। ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी की तुलना में ए दुगुना अधिक कार्यदक्ष है और सी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में क्या बोल रहा है? ये ए है और ये बी है, बी की तुलना में ए दुगुना अधिक कार्यदक्ष है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। और फिर बोला था कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 36 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालें तो 36 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। पूछा क्या था? ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सी की एफिशिएंसी 1 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2, तभी तो जोड़ 3 होगा। और इन दोनों के बारे में पूछा है तो टोटल वर्क 36 डिवाइड करेंगे दोनों की एफिशिएंसी से, ये हो जाएगा 18 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। या फिर इनकी एफिशिएंसी अलग अलग तो कुछ काम ही नहीं था, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, ए बी की तुलना में 3 गुना यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 3। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है और एक साथ काम करते हुए ए बी सी 16 दिन लग लेते हैं, ए बी और सी 16 दिन में पेंट करते हैं और अकेला सी करता है 48 दिन में पेंट। एलसीएम निकाल ले तो 48, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1।
उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले अलग से। अब ये मत करना कि बी की एफिशिएंसी तो 1 है और 1 से इसको डिवाइड कर दे 48 निकाल दें, ये सिर्फ रेशियो के अंदर है, ये रियल नहीं है। अगर चाहो तो इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, इसको 3x, अब समझ पाओगे आप, क्योंकि ये रेशियो थी। अब इसको सोल्व करें तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ से 2 रेशियो में। अब यहाँ से अगर हम ए और बी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा ए की 3x और एक एक्स 4x, 4x प्लस में सी की एफिशिएंसी तो 1 है और बराबर में 3, यानी 4x कितना हो जाएगा 2 और x कितना हो जाएगा 1/2, और यही बी की एफिशिएंसी थी। तो वर्क था 48 डिवाइड करना बी की एफिशिएंसी से, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 96, तो 96 दिन में पूरा करेगा बी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है, सी बी की तुलना में 5 गुना, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 5। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है, तीनों काम करते हैं तो काम हो जाता है 12 दिन में पूरा, और ए अकेला करता है 60 दिन में, एलसीएम निकालेंगे 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 1। पूछा क्या था, अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये तो रेशियो में था, यानी कि ये एक्स है तो ये 5x है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर हम यहाँ पर बी और सी की वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर, ए की एफिशिएंसी तो 1 है और बी की एफिशिएंसी थी एक्स और सी की एफिशिएंसी थी 5x, ये बराबर 5 के है, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 4 के, x बराबर कितना हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। पूछा किसके बारे में था, 25 में बी के बारे में, तो बी की एफिशिएंसी एक्स ही थी, यानी कि ये एफिशिएंसी हो जाएगी, वर्क हमारे पास है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 30 या 90, तो 90 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, आर एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, आर एस से 80%, 80% होता 4/5, अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 अधिक यानी कि 9 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी थी। यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है तो टाइम कितना हो जाएगा 5 से 9, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है, तो आर के बारे में पूछा था, तो 50 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, तो ए और बी 40% 2/5, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो इससे 2 अधिक यानी कि 7 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी है। फिर क्या बोला था, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, बी की तुलना में सी 20% कम, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा 20% 1/5, तो 5 का 1/5 यानी कि 1, तो 1 कम यानी कि 4 हो जाएगा। एक साथ मिलकर ये तीनों किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये 7 और 5 12 और 4 16, एक दिन में 16 काम करते हैं और ये 5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में इतना काम किया होगा यानी कि 80 टोटल वर्क है। ए अकेला इस काम का 70% टोटल वर्क, नहीं बोला टोटल वर्क तो 80 था लेकिन इसका 70%, तो 7/10, अब ये वर्क इसको करना है ए को, ए की एफिशिएंसी 7 थी तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल और ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, 0 से 0 तो 8, 8 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, ये ए है और ये बी 40% 2/5, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो इससे 2 ज़्यादा यानी कि 7 है, तथा बी की तुलना में सी 20% कम, तो 20% इसका 1 हो जाएगा, 1 कम यानी कि 4, ये एफिशिएंसी है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं 16 और 15 दिन में 16 × 15, ये टोटल वर्क है। हमें क्या बोल रहा है कि अकेले बी उस काम का 75% कितने दिन में पूरा करेगा, ये टोटल काम था इसका 75%, 75% 3/4 होता, तो इस काम को करना है बी को, कितने दिन में करेगा एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 4, 4 × 3 = 12, तो 12 दिन में कर देगा, ये कहाँ गलती होगी भाई, 12 तो ऑप्शन ही नहीं है, 7 40% अधिक तो 7 हो जाएगा, 20% कम यानी कि 4 हो जाएगा, और तीनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, 7 × 5 = 12 + 16 = 15, टोटल वर्क हो जाएगा 75% 3/4 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5 थी, 5 से डिवाइड किया, अच्छा ये 15 था, ये यहाँ पर 3 आएगा भाई, मैं सोचा 5 ही है,
तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 29, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो एफिशिएंसी यही रहेगी अभी बनाई थी 7 5 4, ए बी और सी 7 5 4 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो ये करते हैं एक घंटे में कितना काम, 7 5 12 और 4 16, एक घंटे में 16 काम करते हैं, तो 20 घंटे में मल्टीप्लाई 20, अब ये टोटल वर्क हो जाएगा। बोला कि ए अकेला इस कार्य का 35%, तो इसका 35% 35/100 किसको करना है, ए को, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 20 5 100 और 5 7 35 से 35 कैंसिल, तो 16 घंटे में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, ये ए और ये बी, 50% यानी कि 1/2, अगर ये इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 ज़्यादा यानी कि 3 हो जाएगी, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो इसका 40% निकालेंगे फिर पॉइंट में आएगा, तो एक काम कर लेते हैं इसको 20 बना लेते हैं, इसको 30 बना लेते हैं, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, अब ये पॉइंट में नहीं आएगा इसलिए किया है, तो 40% 20 का 40% कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 8 और 8 कम यानी कि ये हो जाएगी 12 एफिशिएंसी। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं ये 50 60 62 काम करते हैं और पूरा काम कर दिया 10 दिन में, यानी कि इतना काम पूरा था। बोला कि ए अकेला उस काम का 150%, इसका 150%, तो 150/100 किसको करना, ए को, ए की एफिशिएंसी थी 30, 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 5 15, 5 2 10, 2 से कैंसिल करेंगे तो 31 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो ये तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी इनकी एफिशिएंसी की, ए बी सी सॉरी रेशियो हो जाएगी 30 20 और 12। क्या बोला है कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 62 काम करते हैं, तो 20 दिन में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क हो जाएगा। सी अकेले इस कार्य का 30%, इसका 30%, अभी इतना काम करना सी को, तो सी की एफिशिएंसी 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 3 6 12 और 2 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 31, 31 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32, ए किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है, तो 40% यानी कि 2/5, तो 2/5 काम कितने दिन में, 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 2 3 3 5 15, तो ए पूरा काम करता है 15 दिन में। बी उसी काम का 30%, 30% 3/10, 3 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 से 3 कैंसिल 10 दिन में, तो बी करता है पूरा काम 10 दिन में। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा, पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे और इनकी जो एलसीएम वो 30 हो जाएगा, तो वर्क 30 है और एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, तो एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन तक 7 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 10, काम कितना रह गया 20, 2 दिन तक तो इन्होंने 7 काम कर लिया, अब शेष काम रह गया 20, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, अब शेष काम कौन करेगा, ए, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ये पूरा काम 10 दिन में कर देगा और 2 दिन पहले लगे थे, इसने बोला कि संपन्न कितने दिन में था पूरा काम, तो पूरा काम हुआ था 12 दिन में पूरा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम के 20% को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए करता किसी काम को 20 दिन में पूरा और बी 20% काम यानी कि 1/5 काम 6 दिन में करता, तो पूरा काम कितना करेगा, 5 6 30, तो बी करता है पूरा काम 30 दिन में। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते तो 50% काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, एलसीएम निकाले तो 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, तो क्या बोल रहा है कि 50% काम, पूरा काम 60 है, 50% यानी कि आधा काम 30, तो 30 काम दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर देंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, बी सी से दुगुना कुशल है और ए बी से तिगुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले बोला था कि बी सी से दुगुना कुशल है, बी सी से, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो इससे दुगनी हो जाएगी बी की। फिर बोला कि ए
बी से तिगुना कुशल है, तिगुना कुशल है तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। अब क्या बोला था कि सी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, एफिशिएंसी 1 है और सी का टाइम कितना है 120 दिन। तो वर्क निकाल सकते हैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, तो वर्क कितना हो जाएगा 120, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी और सी का टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा क्या है हमसे, वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सबकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और 1 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 9 बचेगा 3, 9 3 27, फिर 3, फिर ये 3 3 रिपीट होता रहेगा, तो इतने दिन में करेंगे ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 35, ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है और बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है, ये ए है और ये बी, ए बी से दुगनी तेजी से यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2। फिर बोला कि बी सी से दुगनी तेजी से यानी कि ये तो 1/2 हो जाएगा, तो बिन में तो रखना ही चाहते हैं, मान लेते सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी बी से दुगनी तेजी से और ए बी से दुगनी तेजी से यानी कि 4, अब ये सही रह जाएगा, ये एफिशिएंसी थी। तो क्या बोला कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले इस काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो डी की एफिशिएंसी हमारे पास है नहीं, मान लेते डी की एफिशिएंसी एक्स है और अकेला डी 16 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी एक्स है, टाइम 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा यानी कि 16x, ये टोटल वर्क है, और चारों कितने दिन में करते हैं 4 दिन में, तो चारों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और 4 के बराबर रख देंगे, 4 2 6 और 1 7 और जमा एक्स, तो 7 जमा एक्स ये चारों की एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, तो टोटल टाइम आ जाएगा कि चारों ने कितने दिन में पूरा किया, ये हमें दे रखा था कि 4 दिन में पूरा किया, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 16x, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 4 7 28 प्लस में 4x, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12, इसको सोल्व करें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12 4 7 28 यानी कि 7/3, ये एफिशिएंसी हो जाएगी x, यानी कि डी की एफिशिएंसी है ये x, हमने इसकी एफिशिएंसी माना था, तो 7/3। पूछा क्या है, ए अकेले इस काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो टोटल वर्क कितना था 16x, x की वैल्यू रखेंगे 16 गुना में 7/3, अब ये टोटल वर्क है, अब टोटल वर्क नहीं करना, इसे करना है 75%, 75% होता है 3/4, अब इतना काम कौन, ए की एफिशिएंसी 4 थी तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौके 16 से 16 कैंसिल, तो 7 दिन में पूरा कर देगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, ए एक साथ वे तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, अकेले बी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और फिर एफिशिएंसी के बारे में हमें क्या बोलना है कि बी ए से 25% अधिक, बी ए से 25% अधिक यानी कि 25% 4 और ये हो जाएगा 1 अधिक यानी कि 5 हो जाएगा, क्योंकि 25% 1/4 होता है। फिर बोला है कि सी बी से 28% अधिक, सी बी से 28% अधिक यानी कि इसका 128% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40 और इसको 50, अब बी से 28% अधिक यानी कि इसका 128% निकालेंगे तो ये 2 पर और 2 से कैंसिल करेंगे तो 64, तो सी की एफिशिएंसी 64 हो जाएगी, अब सही है, अब ए की एफिशिएंसी 40 है और टाइम 40 है तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम वर्क हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 1600 टोटल। आगे क्या बोला था कि एक साथ वे तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करते हैं, ये 90 90 और 60, 150 154, 1 दिन में 154 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 5 चौके 20 और 25 और 2 27 2 5 1 5 और 2 7, तो 770 इन्होंने काम पूरा कर लिया, बचा कितना होगा 830 काम, 830 काम बच गया, अब ये काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 50 थी, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 5 80, तो 16 से ही 3/5 इतने दिन में करेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल और सी बी से 20% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक यानी कि 4 से 5 हो जाएगा और सी बी से 20% अधिक कुशल, सी बी से 20% अधिक, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 1 अधिक यानी कि 6 हो जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बोला क्या है, और ए एक काम को 30 दिन में करता है, एफिशिएंसी 4 टाइम 30, तो वर्क हो जाएगा 120,
और ये 3 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 1 दिन में 15 काम करते हैं, 3 दिन में 45 काम करेंगे, काम कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 75 काम अब रह जाएगा, तो 75 काम बाकी है। अब ये बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 5 थी तो ये 15 दिन में कर देगा शेष काम को, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक्स और वाई, एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक, 40% 2/5, ये 5 है तो ये 7, और जेड वाई की तुलना में, जेड वाई की तुलना में 40% कम, तो 40% 2/5 यानी कि 2 कम यानी तो 3 हो जाएगा। अब ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी को अच्छे से लिख लेना। एक साथ काम करते हैं, कम करने पर वे 21 दिनों में वह काम पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ काम करते हुए यानी कि 1 दिन में ये काम करेंगे 15, तो 21 दिन पूरा करते हैं तो 21 गुणा 15, अब ये टोटल वर्क हो जाएगा। फिर बोला कि वाई और जेड मिलकर 35 दिन तक काम करते हैं, वाई और जेड मिलकर 1 दिन में 8 काम करते हैं, तो 35 दिन में कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 × 70 और 4 × 7 = 28, 280 काम कर देंगे। और ये काम कितना था, 15 × 15, 1 × 15 = 30 और 1 = 31, 315 था, तो काम कितना रह गया, 20, 30, 35 काम अब बच गया शेष। तो क्या बोला कि शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ये ए कहाँ से आ गया, ये ए नहीं है भाई, ये होगा वाई जेड और एक्स, तो एक्स कितने दिन में करेगा, ए की जगह एक्स कर लेना, मिस प्रिंट है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी थी 7, तो ये करेगा 5 दिन में, ऑप्शन ए वन। क्वेश्चन नंबर 39, पी क्या उसे 3 गुना तेज कार्य कर सकता है, पी क्या उसे कितने गुना, 3 गुना, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 3। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्या किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, क्या की एफिशिएंसी 1 है और टाइम 24, तो वर्क हो जाएगा टोटल 24। पी और क्या एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल वर्क 24, टोटल एफिशिएंसी 4, तो ये करेंगे 6 दिन में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल, बी ए की तुलना में 25% अधिक, 25% 1/4, अगर इसकी एफिशिएंसी 4 तो इससे 1 अधिक यानी कि 5 हो जाएगी बी की, और सी बी की तुलना में 40% अधिक, सी बी की तुलना में 40% अधिक, 40% 2/5, तो 5 का 40% 2 और अधिक यानी कि 7। अब क्या बोला है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता था, ए की एफिशिएंसी 4, टाइम 15, तो 15 × 60 ये वर्क हो जाएगा। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए काम करते हैं, ए और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 11, और 3 दिन में कितना करेंगे, 33, काम कितना बच जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा काम 37 काम बच जाएगा, सॉरी 27 काम रह जाएगा। और फिर सी कार्य छोड़ देता है, ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, शेष कार्य 27 है, किसे करना है, ए और बी को, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9, 27 / 9 कितना हो जाएगा 3, तो 3 दिन में पूरा करेंगे, ऑप्शन 1। 41, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है, ए और बी इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 7:5 है, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 17 से 1/2 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलकर इनकी एफिशिएंसी 12, 1 दिन में 12 काम करते हैं, और इन्होंने किया 17 × 34 और 35/2 दिन में काम, तो ये हो जाएगा 6 × 35 का कितना हो जाएगा 2 × 70 = 70 यानी कि 210 हो जाएगा, टोटल वर्क 210 है। अकेले ए इसी कार्य का 60%, तो इसका 60% यानी कि 3/5, अब इतना काम ए को करना, ए की एफिशिएंसी 7 थी, तो ये हो जाएगा सोल्व करें तो 7 × 21 = 30 और ये हो जाएगा 6 × 6 = 18, तो 18 दिन में करेंगे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं, यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्य कुशल है, ए और सी, सी की तुलना में यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। फिर बोला ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में, एलसीएम निकालें तो 90 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 3, सभी को जोड़ेंगे तो ए प्लस में 2 बी प्लस में सी और ये हो जाएगा 8। पूछा किसके बारे में है, बी, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, ये तो रेशियो के अंदर यानी कि ये एक्स है और ये 2x है, अगर वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा ए और सी कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3x प्लस में 2b बराबर 8 के हैं, और यहाँ से रखें ए और बी की, तो ए की वैल्यू है 2x, तो 2x प्लस में बी बराबर 5, तो ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी, यहाँ से इनको सोल्व करना पड़ेगा, अब निकालना क्या था, बी की एफिशिएंसी, तो एक्स को बराबर करेंगे
तो यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर तीन की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 4b बराबर 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 6x प्लस में 2b बराबर में 10। सोल्व करेंगे तो माइनस करना है, कैंसिल, ये हो जाएगा 2b बराबर 6, तो b बराबर 3। b की एफिशिएंसी 3 है, b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, काम था 90, एफिशिएंसी है 3, तो ये करेगा 30 दिन में। यहाँ से भाई गलत कैसे आ गया, ये 3 दूनी 6, 3 भी आता भाई, यहाँ पे 3 भी आएगा और 3 पाँच 15, मैंने गलती कर दिया, सारा ही गलत हो गया। तो और दोबारा कर लेते हैं, अगर यहाँ पर हम ए और सी की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2b बराबर में 8, और ए की वैल्यू यहाँ पर रखें तो 2x प्लस में b कितना था 5। यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 बी, 2 8 16, ये 3 है, तो 6x प्लस में 3b और 3 5 15, माइनस करेंगे इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा b बराबर में 1, तो b की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90, तो 90 दिन में पूरा करेगा b। अब चलते हैं 43 पर, a और b किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, a b से 3 गुना अधिक कुशल है, a b, b की एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 3, और ये दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं, 18 दिन में 18 गुना 4 करेंगे, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, तो 72 दिन में करेंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी की तुलना में दोगुना मजदूर है, ए बी की तुलना में, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, 13 दिन में 13 गुना 3 ये टोटल वर्क हो जाएगा, बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 13 3 39 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक, 25% 1/4, ये 4 है तो ये 5, दोनों ने 4 दिन तक कार्य किया, पहले तो वर्क निकाल लेते हैं, ए की एफिशिएंसी 4 है और ये एक दिन में सॉरी पूरा काम कितना करता है 15 दिन में, तो 15 चौके 60, पूरा काम कितना हो जाएगा 60। फिर पढ़ते हैं आगे, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, एक दिन में 9 काम करते हैं, 4 दिन में 36 काम करेंगे, काम कितना रह जाएगा शेष 24। फिर क्या बोला, शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया, शेष काम 24 था, इसको सी ने 8 दिन में पूरा किया, तो ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 से कैंसिल करें 2, 4 से के ऐसे 8 से हो जाता 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम था 60, तीनों की एफिशिएंसी 5, 4, 9 और 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, यानी कि 5 दिन में पूरा करेंगे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी से दुगुना कुशल श्रमिक है, ए सी से दुगुना कुशल, सी की एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 2, और ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इनकी एफिशिएंसी 6, इनकी एफिशिएंसी 5, सभी को जोड़े तो ए प्लस में 2b, ए प्लस में 2b प्लस में सी, ये हो जाएगा 11। बी अकेले उस कार्य को कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा, तो सबसे पहले बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ये रेशियो में थी यानी कि एक्स और 2x हो जाएंगे, ये इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखें, अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ए है 2x, सी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस में 2b बराबर में 11, यहाँ पर वैल्यू रखें ए की, यहाँ पर बी की वैल्यू रख सकते हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स ही रख लेते हैं, फिर कम रहेगा यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो एक्स प्लस में सी की एफिशिएंसी कितनी है, अरे बी प्लस में सी की एफिशिएंसी एक्स बराबर में 5, ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, इनको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से बस, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2b बराबर में 11, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, और ये हो जाएगा 3b और ये 3x, माइनस करेंगे तो इसे कैंसिल, यहाँ से माइनस बी बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, बी की एफिशिएंसी 4 है। पूछा क्या है, कार्य के 40% भाग को, काम था 120, इसका 40% यानी कि 2/5 काम करवाना है, बी से बी की एफिशिएंसी 4 है,
तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 सेकेंड से करेंगे 6, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में करेगा बी ऑप्शन वन। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।